सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने से पटरी पर लौटता व्यापार अब फिर से डिरेल होने लगा है। बाजारों में अचानक ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है, व्यवसाय ठप होने लग गया है। यही वजह है कि सोलन के व्यापारियों के माथों पर अब फिर से चिंता की लकीरें पड़नी आरंभ हो गई हैं। दुकानदार सुबह से शाम तक बैठकर केवल ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं। ज्यादातर दुकानें खाली पड़ी हैं। अब दुकानों पर लगे कर्मचारियों को भी फिर एक बार फिर से बेरोजगारी का डर सताने लगा है। दुकानदार जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि बाजार का समय पहले की तरह कम कर दिया जाए, कोरोना के नियमों की पालना करवाने के लिए सख्ती बरती जाए। सोलन के व्यवसायियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शादियों और अन्य समारोह में ढील के कारण कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सोलन की जनता सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग भी नहीं कर रही है। नियमों में मिली ढील के कारण लोग अधिक मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कि अब लोग घरों से निकलने में फिर से डरने लगे हैं, जिसकी वजह से बाजार खाली और सूने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया है और व्यवसाय फिर से चल निकलेगा, लेकिन करोड़ों बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से व्यवसाय पर अंकुश लगा दिया है। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने की वजह है कि प्रदेश सरकार ने नियमों में बहुत ज्यादा छूट दे दी थी। शादियों और पार्टियों में कोई अंकुश नहीं था, जिस पर चेक रखना बेहद आवश्यक था। मेरा नाम विजय दुग्गल है। ये देखिए, कोरोना की वजह से तो डेफिनेटली फर्क पड़ा है, एंड जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, पीपल हैव बिकम कॉन्शियस कि हम मार्केट में ना निकले, अगर जरूरी है तभी निकलें, और उसी का रीजन है कि ये मार्केट स्लंप है। मार्केट स्लंप ये रीजन है, और एक और है, शादियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। शादियां भी खत्म है और कोरोना है। बिकॉज ऑफ बोथ द रीजंस कंबाइंड टुगेदर इट हैज ब्रॉट अ स्लंप इन द मार्केट। सेकेंडली, एक सबसे बड़ा काम एक रीजन एक और भी है, स्कूल्स बंद हैं। स्कूल्स बंद हैं तो बच्चों को कोई कपड़े नहीं चाहिए बिकॉज दे आर एट होम। टीचर्स हैं, उन्होंने स्कूल नहीं जाना बिकॉज वो भी एक घर पे हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 5 दिन का वर्किंग कर रखा है, तो और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ऑफिस गोइंग पीपल हैं वो वहां से ऑफिस से निकलते थे, घर को भागते हैं वो, कि कुछ भी, बिकॉज देर इज अ स्केयर ऑफ कोरोना। कोरोना की वजह से डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम है। तो सर, जैसे त्योहारी सीजन के दौरान आपका काम खुला था, तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे काम में डाउनफॉल आएगा? नहीं, ये हमने नहीं सोचा था, बट दिल में एक शंका थी कि हो सकता है कि दिस मे फॉल, बट यू नेवर नो कि हो सकता है कि भी ये चलेगा भी, बिकॉज प्रिडिक्शन, बट ये साम दिख रहा है कि द मार्केट हैज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, इट हैज ड्रॉप्ड। कोरोना के तेजी से फैलने से जो काम पर है वो बहुत असर पड़ा है, और काम तकरीबन 25-30% के बीच में रह गया है। लोग डर के मारे बाहर भी नहीं आ रहे, और इस समय ये कम्युनिटी स्पिरिट एक तरह का हो गया है, और इसमें सरकार को इसमें कुछ नियम में बदलाव करना चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे था कि लॉकडाउन उतनी सख्ती से तो नहीं रखना चाहिए, पर कुछ समय सीमा बांध देनी चाहिए बाज़ार की भी। उसमें समय सीमा, आजकल वैसे भी सर्दी का मौसम है तो समय बाज़ार का 7 बजे तक कर देना चाहिए या 6 बजे तक कर देना चाहिए, 5 डे वीक कर देना चाहिए। और जो बसों में है अब 50% कर दिया है, पर उसका सख्ताई से पालन होना चाहिए जो है। और मास्क, और उसमें अब 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ सख्ती है, चलान भी हो रहे हैं और लोग इसमें अवेयर भी हैं कि मास्क लगाया जाए। पर पीछे जो त्योहारी सीज़न में था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी ना मास्क के लिए कुछ था, उस समय सरकार की बहुत ज़्यादा लापरवाही रही, और इसी वजह से यह कोरोना है थोड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और जहाँ तक व्यापार का सवाल है, व्यापार तो लगभग अब ना के ही बराबर रह गया है, 25-30% के बीच में व्यापार इस समय जो है चल रहा है, और एक ट्रेन नहीं है, सब ट्रेनों का ही काम ऐसा है। और ये जो मैरिज सीज़न है वो भी मेरे ख्याल आज लास्ट मैरिज है, इसके बाद 3-4 महीने तक तारा अस्त हो रहा है, उसमें मैरिज नहीं होती, उसका भी एक फ़र्क पड़ेगा। स्कूल्स भी बंद हैं, और सरकार से पुनः आग्रह किया जाएगा कि इस बारे में ध्यान दें और कुछ नियमों में बदलाव करें, ताकि इसकी जो एक तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है इस पर कुछ ब्रेक लगे। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था
कि एकदम इतना एकदम स्लंप आ जाएगा। और दुकानदारों ने तो बहुत अच्छा, हर दुकानदार ने सैनिटाइज़र रखा, बिना मास्क के लिख के लगाया नो मास्क नो सर्विस और है उसका पूरा गया। पर बाज़ार में इतनी भीड़ थी और इतना था, जो शादी समारोह थे जो है उसमें कोविड की बहुत लॉ की वायलेशंस हुई, उसमें उस वजह एक वजह यह भी कोविड को फैलने के लिए है। और कोई भी सीज़न कोई भी त्यौहार हुआ है कोई भी फंक्शन हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने चेक नहीं रखा, जबकि ये चेक रखना चाहिए था ताकि ये ना फैल जाए।